हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोहेल हूं, आप देख रहे हैं गोला पिजन टीवी। भाई आज फरीद भाई के छत पे आए हैं। फरीद उस्ताद के गोला कबूतर है माशाल्लाह इनके पास, ठीक है। काफ़ी अच्छे ओड़ हैं और दूर दूर तक ये भेज रहे हैं कबूतरों को दूर, जो काफ़ी पहले तकरीबन 3-4 महीने मैंने शफीक भाई की वीडियो बनाई थी, उनके साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं इनकी, तो उनके कबूतर तकरीबन 150-200 कबूतर है और ये माशाल्लाह अपने जो है वो 60-70 कबूतर से जो है वो उड़ा रहे हैं कबूतर, ठीक है। और अभी इनके पास जो है वो कबूतर तो काफ़ी हैं, 100 के करीब है, लेकिन पर झाड़ वगैरह भी चल रहा है, तो अभी पूरी तरीके से कबूतर तैयार नहीं हुए, तो इंशाल्लाह ये 100 करने का इनका इरादा है। तो चले इनसे बात करते हैं कि क्या टाइमिंग है कबूतर की और किस तरीके से लड़ है और माशाल्लाह इस सीज़न में क्या कर सकी, क्या कारकर्दगी रही कबूतरों की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या है खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। अच्छा ये बताएं कौन कौन से कबूतर हैं भाई? मेरे पास घाघरे और लालबन है। घाघरे और लालबन दौड़ है, 60-70 कबूतर मेरे अभी लड़ रहे हैं। सही है, और अभी कबूतर खड़े हुए हैं 90 कबूतर हैं, 100 कबूतर करके ना लड़ाने शफीक भाई से। सही है, अभी मैंने इनके 3 कबूतर मारे थे। अच्छा, घाघरे 3 घाघरे तो मारे थे। ये सीजन कब से स्टार्ट किया? ये अभी 4-5 दिन हुए मेरे को, 4-5 दिन में 3 कबूतर मारे मैंने। एक दिन में 2 मारे, एक दिन में 1 मारा इनका। अच्छा, 3 कबूतर मारे मैंने इनके। और टोली कितनी है उनकी, कितनी बड़ी टोली है? उनके पास 180 के करीब कबूतर लड़ा रहे हूँ। अच्छा, और मैं 60-70 कबूतर लड़ा रहा था। सही सही, और माशाल्लाह से जो है वो 3 कबूतर मारे थे। जी अभी 3 कबूतर मारे थे मैंने इनके। सही सही, माशाल्लाह। तो क्या टाइमिंग है उड़ाने की? टाइमिंग ये है कि सुबह 8 बजे कबूतर, 8:15 बजे कबूतर हम खोल देते हैं। अच्छा, उनसे हमारी फाइट होती है। बाकी यहाँ पर जो है बहुत सारे कबूतरबाजी उड़ रही होती है, यहाँ पर और भी कबूतरबाजी हो रही होती है। सही सही, ये कि हमारा शफीक भाई से होता है शौक खाली, उन्हीं से करते हैं हर सीज़न। हम इधर उधर किसी से शौक नहीं करते, बिल्कुल उन्हीं से शौक होता है हर साल हमारा। सही सही, माशाल्लाह। वो शफीक भाई भी अच्छे शौकीन है माशाल्लाह, उनकी वीडियो डली हुई है मेरे चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन है भाई इनके कबूतरों की, तो चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं इनके कबूतरों की और किस तरीके से लड़ है और कितना दूर जाके इनका कबूतर लड़ा है। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 1 किलोमीटर या 800 जो है वो मीटर तक जो है वो कबूतर इनका जा रहा है शफीक भाई के घर की तरफ। तो चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं और इन्जॉय कीजिएगा वीडियो, पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है पूरा मज़ा आएगा। सीधा गए लंबे मुंह रख के, माशाल्लाह। कितने कबूतर है फरीद भाई? ये 45 से ज़्यादा है। 45 है ये देखे, ये देखे भाई कितना दूर वो जा रहे। ये कहाँ जाके लड़ रहे हैं? ये वो कब्रिस्तानी तरफ जा रहे हैं, ये पलटे आए ना सर। हाँ, अच्छा ये आ रहा है वापसी। ये देखे भाई आ रहे सीधे माशाल्लाह, ये देखे भाई बेहतरीन। ये देखे भाई फाइट हो गई है बेहतरीन वाली, जम्मा भाई से जुम्मा बाजार। ये देखे माशाल्लाह, ये देखे भाई फाइट हुई है बिल्कुल वीआईपी तरीके से, दोनों टोलियां जुट हो गई है। ये जा रहे हैं सीधा, जम्मा भाई ने अपनी तरफ बुला लिया और ये कबूतर आ रहा है इस तरफ। ये देखो आ रहे भाई, आ रहे, ये आ रहा है भाई सीधे आ रहे, पूरी टोली आ रही है जम्मा भाई के साथ आ रही है टोली। ये आए। चलो भाई बैठा। ये आए टोली, पूरी टोली को लेके आए साथ में। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखो चाना लगावे, आओ आओ, ये देखे चाना कटू आवे, आओ आओ आ जा। ये आया भाई, ये चांद, अच्छा अब भाग गया, ये जा रहे हैं, ये चांद ना जा रहे निकल के देखे निकल गया यार, निकल गया। जम्मा भाई की किस्मत अच्छी थी,
ये तो घूम रहा है यहीं पे। ये बंदूक लगाएगा इसको। ये देखो बंदूक वाले के साथ लग गया भाई चांदना, जो यहाँ से निकला था ये बंदूक वाले के साथ लगा। ये बेटा बंदूक की किस्मत अच्छी है, लगाई सीट भाग गया भाग गया भाई भाग गया। बंदूक वाला देखे भाई, समझे, बंदूक वाले ने कोशिश की पकड़ने की लेकिन पकड़ा नहीं गया। अगर पकड़ा जाता तो अच्छी दिहाड़ी बन जाती बंदू भाई, लेकिन नहीं बनी दिहाड़ी, आज का शिकार हो जाता लेकिन नहीं हुआ। ये देखे भाई माशाल्लाह इनके 45 कबूतर हैं सारे लड़ते हुए, बिल्कुल अभी झाड़ चल रहा है इसलिए कुछ कबूतर बंद किए हुए इन्होंने। ये उठाए भाई, ये कबूतर उठा दिए दोबारा इन्होंने। ये देखे भाई माशाल्लाह कबूतर, ये जाएंगे अभी सीधा, देखना सीधा शफीक भाई से लड़ने के लिए जाएंगे। ये देखें भाई टोली, ये देखें माशाल्लाह, ये टोली जा रही है वीआईपी सीधा सलंग सलंग। ये गई सीधा गई, ये टन किया, ये टोली किसकी है, जमा की है, बच्चे की है। अच्छा ये जा रहे हैं देखो, शफीक भाई ने उड़ा दी उधर से, ये भाई आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखें बहुत दूर है इस वक्त कबूतर, पड़ेगी इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन, ये आ रहे हैं वापस, ये वापस आए कबूतर, ये देखें काफी हाइट पे, ये देखें भाई माशाल्लाह। दूसरी टोलियाँ भी उड़ रही हैं लेकिन बच्चे हैं उनके साथ लड़ा नहीं रहे, फरीद भाई उस्ताद आदमी हैं बच्चों के साथ नहीं लड़ाते, दूर दूर भेज रहे अपनी टोली को, चल दिया कबूतर, ये सीधा गया देखें लंबा रुकावटें बहुत हैं बीच में, कबूतर सीधा जा रहा है, रुकावटें बहुत हैं मंजिल की तरफ। ये देखिए वहाँ से चक्कर मार के वापस आ रहा है कबूतर, बेहतरीन, ये आया कबूतर, अरे यार ये देखें माशाल्लाह भाई बेहतरीन, ये कबूतरों की आमद देखें, ये भी आएंगे सीधा जबरदस्त। अच्छा इसमें कबूतर कौन कौन से हैं, लाल बनेंगे इसके अंदर, अच्छा लाल बन समझ पाए, लाल बनेंगे और गुलाबी वगैरह हैं इसके अंदर और धागे, अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। अभी आप बढ़ाने का सोच रहे थे, हाँ ये पट्टे में है ना, बस ये एक महीने बाद ये मिला दूंगा सारे पट्टे मेरे घर के, अच्छा ये वाले मिला दूंगा इसमें एक कर दूंगा कबूतर हो जाएंगे मिला के ना, सही सही तो दूसरा साल हो गया पट्टों को इस सीजन में ना लड़ाना है इनको, अच्छा यानी कि महीने के अंदर लड़ाना है बस मिला के ना इस पर, सही 90 कबूतर करके ना इनको सो करना है, यानी कि पूरे 90 हैं ये मेरे पास, सो करने हैं, सो करना, सही अच्छे कबूतर हैं सारे रंगीन गंडेदार, ये सारे घाग रहे हैं इसके अंदर जितने भी ना सब घाग रहे हैं, अच्छा ज़्यादातर के पट्टे हैं, हाँ इधर गंडों के घाग रहे हैं सब, सही। ये देखें भाई जा रहे हैं
चलन। शफीक भाई के कबूतर इधर कम आते हैं, आते ये जा रहे हैं। शफीक भाई की टोली आपको दिखाता हूँ मैं, कहाँ हो रही है ये देखे भाई, ये शफीक भाई की टोली हो रही है, आपको नजर आ रहा होगा बहुत दूर है टावर के पीछे, बहुत ज्यादा दूर है। ये देखें, अब ये जा रहे हैं सीधा, फरीद भाई की टोली जा रही है लड़ने के लिए। ये देखें, ओ यार कबूतर देखो बेजर के बाद ये और उन्होंने फेंक लिया, ये गए लड़ने के लिए। ये क्या सीन है भाई, फेंक क्यों रहा है? ये देखें शफीक भाई की टोली बहुत दब दब के ओढ़ी है नीचे छतों के ऊपर से, देखो थोड़ी सी ऊंची हो जाए ना बस उन्होंने बिठा दिया कबूतर अपनी तकरीबन। ये देखें भाई, देखिए कबूतर नहीं चढ़ा, बहुत दूर उड़े हैं कबूतर उनके, काफ़ी लंबा जाके आया कबूतर। ये आए भाई हमारे कबूतर, ये घूम के आएंगे आपको दिखाते हैं। ये आए, ये आए भाई कबूतर, बस बस चक्की डाल। सामने वाली पार्टी ने उड़ा लिया कबूतर शफीक भाई ने, अब ये जा रहे हैं इनके कबूतर लड़ने के लिए सीधा सीधा, एक टावर लेंगे फिर सीधा निकलेंगे। ये देख, इस साथ फाइट हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बस असल में दूर बहुत है इस वजह से जो है ना फाइटिंग का बड़ा मसला हो रहा है। ये पीछे उसके कबूतर भी आ गए, ये किसकी टोली आ रही है पीछे? सलीम शाह, लड़ा इसी के साथ लड़ा दे, ये मांझे में भाई एक कबूतर फंस गया, घाघरा कबूतर फंसा है ना। ये देखें भाई, ये मांझा है, इसमें कबूतर फंस गया है नीचे, गिरा हुआ है। अबे वो उनके भाई को बोल दे। ये देखें भाई पतंग तोड़ दी है, जा रही है पतंग। अच्छा ये कबूतर उतार लिया भाई इन्होंने, मांझे में फंस गया था। ठीक है, दोबारा उठा दिया भाई कबूतर, ये उड़ा है, इसके साथ बंदू की टोली भी मिली हुई है, बंदू भाई की रेसर अलग हुए रेसर ही है ना रेसर, ये रेसर कबूतर अलग हुए, 15-16 कबूतर हैं उसके, उड़ रहे अभी भी साथ साथ। सब रेसर अंदर कर दो लंबी चोंच वाला, ये रेसर अलग हुए, ये गए रेसर लाओ नाश्ता, ये देखो कितने लंबे लंबे, हाँ यार बहुत लंबे कबूतर हैं ये, इन्हीं की तरह ही ये कहाँ गिरते हैं, ये तो बड़े खतरनाक कबूतर हैं भाई, उल्टे ही कबूतर मंगवाए हैं बंदे ने। ये रेसर गए बंदू भाई के, और ये देखें शफीक भाई के कबूतर और फरीद भाई के, ये देखें भाई सीधा जा रहे हैं दोबारा हाथ पे। ये आपको शौक दिखा रहा है, अभी नया शुरू हुआ है,
टावर के पीछे वो सीधा जा रहा है टावर के साथ लग रहा है नहीं अच्छा ये आ गया ये निकल गया है ये देखें ये देखें बोला है ये देखिए भाई दोबारा से उठाएं कबूतर ये सीधा जा रहे हैं लड़ने के लिए ये आपको मैं दिखाता हूँ ये देखें ये देखो अरे बचत हो गई है फाइट नहीं हुई ये देखिए ये फरीद भाई के कबूतर हैं और उनके शफीक भाई के दब दब के उड़ रहे हैं ये फरीद भाई के आ रहे हैं कबूतर वापस कुश्ती नहीं हुई इस दफ़ा भी दूर बहुत है कबूतर इसलिए मसला हो रहा लड़ाने में ये देखो भाई ये सीधा आ रहा है चलो भाई कबूतर आए सीधा